बहन जी। हाँ जी, आपका नाम शिखा है जी आप कौन? मेरा नाम निखिल है, मुझे यहाँ पे आपकी माता जी ने भेजा है। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, उन्होंने कहा है कि ये पैसे मैं आपको दे दूं। अपने पास ही रखिए, हमेशा का हो गया उनका, फिर किसी को भेज दिया पैसे देके। अरे वो खुद क्यों नहीं आती हैं? मैं बेटी हूँ उनकी, पर नहीं, 6 महीने हो गए उनसे मिले हुए, यही नहीं कि एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाए। किसी को भी भेज देंगी पैसे देके। देखिए, जाके अपनी मैडम से बोल दीजिए दोबारा किसी को भी ना भेजें, अगर पैसे देने हैं तो खुद आए मुझसे मिलने के लिए, ले जाइए ने। आप नाराज मत होइए, वो क्या है ना कि आजकल कंपनी में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, उन्हें तो सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती है, इसलिए वो किसी न किसी के हाथों आपके लिए पैसे भिजवा देती है। इस बार उन्होंने मुझे भेज दिया ताकि आपको पैसे दे सकूं। अरे ऐसा भी कौन सा काम कर रही है वो, बेटी से भी ज्यादा जरूरी है क्या वो काम? देखिए पैसे मुझे नहीं चाहिए, उनको बोल दीजिए खुद आए, वो नहीं पैसे आप ले जाइए। अब देखिए, अगर आप नाराज हो जाएंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अब उन्होंने ये पैसे ना आपके लिए भिजवाए हैं, इन्हें आप रख लीजिए। और वैसे भी अब की बार ना मैं उनसे कह दूंगा कि अगली बार से वो आए आपको पैसे देने के लिए, पर आप नाराज मत होइए, ये पैसे आप रख लीजिए, उन्होंने बहुत मन से भिजवाए हैं आपको देने के लिए। इस बार तो ले रही हूँ, लेकिन उनको बोल दीजिएगा अगली बार वो खुद मुझसे मिलने आए, वरना मैं कोई पैसा नहीं लूंगी किसी से भी। ठीक है, चलता जी। हाय कैमरा मैम। अरे निखिल आ, अंदर आ। पैसे दे आए उसे? जी मैम, जैसा आपने कहा था मैंने उनको पैसे दे दिए, पर उन्होंने पैसे लेने से ना मना कर दिया था, कहने लगी कि माँ की तो आदत हो गई है, मुझसे कभी मिलने आती ही नहीं है, हमेशा किसी ना किसी को भेज देती है पैसे लेकर। ये तो है, पर कोई बात नहीं, कम से कम पैसे तो पहुंच गए ना। जी अब मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर आप बुरा ना माने तो पूछूं? हाँ बोलो। वो लड़की है कौन, और आप हमेशा किसी ना किसी के हाथों उसे पैसे भिजवाते क्यों हैं? निखिल, पैसे तो मैं इसलिए भिजवाती हूँ क्योंकि जो भी कोई यहाँ मुझे फ्री दिखता है मैं उसी को वहाँ भेज देती हूँ। आज मुझे तुम फ्री दिखे तो मैंने तुम्हें वहाँ भेज दिया। और बात दरअसल ये है कि कुछ समय पहले उसकी माँ मेरे यहाँ पे काम करती थी, पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और मैं ही जानती हूँ। देखो माँ के बिना जीवन क्या होता है, मैंने पता करवाया था, पर उसके घर में ना उसके बूढ़े पिता के सिवा कोई भी नहीं है, और वो भी अपाहिज हैं। उनका घर सिर्फ उनकी माँ से ही चलता था, वो हर महीने उसके पास पैसे भिजवाती थी। अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी माँ नहीं है, मुझे और कोई तरीका सही नहीं लगा, तो बस मैं उसके पास ये पैसे भिजवा देती हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। वैसे मैम, आप तो काम बहुत अच्छा कर रहे हो, पर आज नहीं तो कल सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि इस दुनिया में उसकी माँ नहीं रही है, फिर आप क्या करोगे? देखो जब उसे पता चलेगा वो तब की बात है, पर मैं नहीं चाहती कि पैसों की वजह से उसके घर में कोई दिक्कत आए, तो इसीलिए मैं वो पैसे भिजवा देती हूँ। मैम आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मुझसे भी जितना होगा ना मैं भी उतनी उस लड़की की मदद कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है उस लड़की की मदद करके मैंने सही किया या गलत? आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।